हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। तो श्रेयस अय्यर को एक बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बड़ा झटका इसलिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के वो खिलाड़ी थे, इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले सीजन वो कप्तान भी थे और इस सीजन भी कप्तानी करते हैं, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले वो चोटिल हो गए थे और चोटिल होने की वजह से उनकी जगह पर ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया था। एंड उसके बाद से हालांकि जब सेकंड पार्ट ऑफ आईपीएल में वो आए, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जो कि यू नो इससे पहले अगर देखें 2020 से पहले स्ट्रगल करती भी नजर आ रही थी, उस टीम को बनाया, उनको यू नो फाइनल तक पहुंचाए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को श्रेयस अय्यर। इस बार भी यू नो टॉप फोर में रही थी ऋषभ पंत की कप्तानी में, लेकिन श्रेयस अय्यर को इसलिए झटका लगा है क्योंकि फ्रेंचाइजी ने जो सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन करने से मना कर दिया है। और उसके पीछे रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, और रीजन वो है कि श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनना चाहते थे, वो कप्तानी चाहते थे, जबकि फ्रेंचाइजी का ये कहना था कि ऋषभ पंत ने आपके एब्सेंट में अच्छी कप्तानी की है एंड हम उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। और इसी की वजह से अब श्रेयस अय्यर ने इस फ्रेंचाइजी को छोड़ने का मन बना लिया है, या यूं कहें कि दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया है। हालांकि ये बात ऑलरेडी रविचंद्रन अश्विन ने भी कही थी अपने एक चैनल पर, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे और श्रेयस अय्यर को शायद रिटेन ना किया जाए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और अब इस बात पर बिल्कुल मुहर लग रही है कि श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कप्तानी चाह रहे थे दिल्ली कैपिटल्स का, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की जो फ्रेंचाइजी है दे आर हैप्पी विथ ऋषभ पंत और वही आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे।